Hi guys, welcome back to my channel. And the promo goes out. And here you go. So what is this? ये लहसुन की बदबू क्यों आ रही है? मैं ये सब बकवास नहीं खाता। बता ना। चल चल स्टार्ट करो। कि लहसुन को हम चॉप कर रहे हैं इसीलिए। ओके। तो क्या बनने क्या वाला है बाय द वे आज? मैं आज बनाने वाली हूँ मोमोज। मोमोज? Yes। ये लहसुन वाले मोमोज? Are you serious? Yeah। बोलना। लोगों को भी तो पता चले कितना कबाड़ा होता है हमारे किचन में। Okay. Yeah, let's be candid. Come on. पहले मुझे इसे प्रिपेयर करके सजा के रखना। क्या सजाना वजाना है? ओहो, ये देखो, this is the reality. ये सब साफ सुथरा जो दिखता है किचन होता कुछ नहीं है। हाँ, ये अभी ये ऐसे खाने के साथ खिलवाड़ का महंगा आता है प्याज। किसने बोला प्याज महंगा आता है? तुम अफोर्ड कर सकती हो, उसका मतलब ये नहीं कि सब अफोर्ड कर सकते हैं। कितने का है? 10 रुपए किलो। अच्छा। तो आज नेहा मोमो बनाने वाली है। मोमोस। तो मुझे मैंने जितनी भी अच्छा कौन सा मोमो, ये वेजिटेरियन मोमो है, नॉन वेजिटेरियन मोमो है? अच्छा, वेजिटेरियन मोमो। तो ये वेजिटेरियन मोमो में इसके अंदर क्या जाने वाला है? ये जाएगा सोया चंक्स। ओह अच्छा। ओके। और ये सोक्ड है ना? यस, ओवरनाइट। ओवरनाइट सोक्ड। ऑलराइट। ये पनीर। पनीर ये घर का पनीर है? हाँ, दूध फट गया था तो पनीर बना लिया मैंने। वाह सुपर। और जो पानी बच रहा था उससे आटा मल लिया। क्या बात है। सो आई डोंट वेस्ट। तो मतलब मुझे सब बचा कुचा खिलाया जाता है। उत्तरण लॉकडाउन है ना, तो कुछ भी फेंकना अलाउड नहीं है। जो भी बचा कुचा, जब भी ज्यादा बच जाता है ना तो मेस बच। ये क्या खेल रही तुम? यो-यो है क्या ये? दिस इज हाउ आई चॉप। एंड व्हाट आर यू चॉपिंग? प्याज। वाओ, इतना मजेदार प्याज चॉप हो गया इसमें। सुपर प्याज। तो फटाफट अब इसको सजा के इसमें दूसरे बर्तन। अभी सजाने की जरूरत है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी चालू है। अरे पर मुझे खाली करना पड़ेगा ना, और चीजें भी तो मुझे का चाहिए ना। ओके। सो डो तैयार करने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक। ये बताओ कि क्या क्या है यहाँ पे। ओके, सो ये फिलिंग के लिए अनियन है और गार्लिक है, कैप्सिकम है, चॉप्ड गाजर है। ये तो ये फ्रोजन लग रहा है मुझे। या सो मैंने काट के अपना काम बचाने के लिए इसे फ्रोजन करके रखा हुआ है। दिस इज पनीर एंड दिस इज मैदा। मैदा एंड सम ऑयल। और ये है सोया चंक्स क्रश्ड। क्रश्ड। ओके। सो व्हाट डू वी डू नाउ? सो वी विल जस्ट मिक्स इट। हमारी जो मैदा है वो तैयार हो गई है और इसको ऐसे थोड़ा सा सॉफ्ट रख के विल जस्ट कीप इट असाइड फॉर 15 मिनट्स और हम अंदर की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यू मीन टू से बहुत मेहनत का काम है? बहुत मेहनत का काम है। सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेड इट अ फ्यू डेज बैक आई वाज जस्ट ट्राइंग इट और मुझे लगा कि पता नहीं कैसा बनेगा। अगर मुझे पता होता कि वो फर्स्ट टाइम ही अच्छा बनने वाला है तो मैं उसी दिन वीडियो बना लेती। बट एनीवेज आई एम डूइंग इट नाउ। नहीं, बट एक बात बताओ, अगर ये इतना मेहनत का काम है तो लोग क्यों करना चाहेंगे? इट शुड बी इजी, राइट? इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट यू नीड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू इट बिकॉज़ यू नीड टू डू लॉट ऑफ चॉपिंग एंड एवरीथिंग। तो ये चॉपिंग वगैरह तो सब मशीन में हो जाएगी ना, ग्राइंडर वगैरह में हो जाएगी ना? सोया चंक्स चॉप हो जाएंगे। ओके। और ये प्याज और कैप्सिकम चॉप करना और गाजर चॉप करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, राइट? या दैट इज व्हाई यू डोंट डू इट, राइट? ओके, फर्स्ट स्टफिंग यू नीड टू टेक सम ऑयल एंड पुट यूज माय न्यू चमचा
सिलिकॉन न्यू सिलिकॉन कड़ची चमची का इस्तेमाल करते हुए आप अपना इसमें थोड़ा सा गार्लिक डाल दो ताकि जो भी आपकी स्टफिंग है ना उसमें सब गार्लिक का एक तड़का आ जाएगा और एक खुशबू आएगी बहुत अच्छी. तो ये उसके लिए है और इसको ब्राउन नहीं करना है, बस फॉर लाइक फ्यू मिनट्स यू जस्ट नीड टू डू इट एंड देन यू कैन ऐड अनियन. सो यू डोंट हैव टू वेट अंटिल इट टर्न्स ब्राउन. बेसिकली ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सब्जियों में जितना भी पानी है ना वो ड्राई हो जाए और हमारा जो मोमो है वो फटेगा नहीं. सो अगेन हमें अनियन को भी ब्राउन नहीं करना है, इसको भी थोड़ा सा ही सौते करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए. देन कैप्सिकम. प्याज, कैप्सिकम एंड गाजर, राइट? एक्चुअली इसका कोई सेट रूल नहीं है कि आपको कौन कौन सी सब्जियां डालनी है, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि तुम्हें कौन कौन सी सब्जियां पसंद है. और पर ये हमने खाया हुआ है सो जस्ट ट्राई दिस बिकॉज़ इट टेस्ट्स रियली गुड. या ट्राई एंड टेस्ट. सो जब तक नेहा टाइम पास कर रही है, कुछ कुछ कर रही है, तब तक शी हैज गिवन मी दिस जॉब ऑफ जस्ट यू नो stirring it. Done? I think so. No, I don't think so. Now the professional hands have come into the picture. So accordingly, you can judge. Yeah. Now be judgmental. I am not professional nor a pro. I'm just learning and trying new things during lockdown since we can't order food from outside. And ये सब मैंने भी कोई बहुत बार कुक नहीं किया है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग और जो भी रेसिपी अच्छी बन जाती है सो आई ट्राई एंड शेयर द वीडियो विद यू गाइस. हम इसमें पनीर ऐड कर देते हैं. ऑलरेडी क्रश्ड है. होममेड पनीर. हम यहाँ थोड़ा सा सोया चंक इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है तो मैं पूरा ऐड नहीं कर रही हूँ. सो ये 5-10 मिनट जब तक कि ये इसे ड्राई नहीं लगे इसको हमें स्टर करते रहना है. तो जब तक कि हमारा मसाला बन गया है स्टफिंग उसको ठंडा होने के लिए मैंने रखा है. जब तक वो ठंडा होता है हम लोग इसका पेड़ा बना देते हैं. पेड़ा पेड़ा लोई व्हाट डू यू कॉल द कवरिंग ऑफ इट बेसिकली द कवरिंग फॉर द मोमोज. फर्स्ट वी मेक पेड़ा. दिस इज पेड़ा. ओके एंड देन वी ओके. सो जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है हमें उसमें सोया सॉस, नमक और काली मिर्ची ऐड करनी है. लेकिन ये सब ऐड करेंगे ठंडा होने के बाद क्योंकि अगर हम गर्म में ही नमक ऐड कर देंगे तो वापस वो मॉइस्ट हो जाएगा जो कि हमने उसका मॉइस्चर 10 मिनट उसको गैस पे रख के सुखाया. सो वी हैव टू वेट टिल द टाइम इट गेट्स कोल्ड. तो ऐसे हमने जो पेड़ा बनाया है उसको हम थोड़ा सा सूखा मैदा साइड में रखते हैं ताकि मैदा को ऐसे बेलना डिफिकल्ट होता है. दैट्स हाउ वी रोल इट. सो ये जो स्टफिंग है ये अभी एकदम ठंडी हो गई है और बाय द टाइम हम इसमें जो ऐड ऑन करना है वो करते हैं और हम ये कुकर में पानी रख देते हैं ताकि ये गर्म होता रहे. और ये हमारा प्लेट है जिसमें हम मोमोज रखने वाले हैं. आप देख सकते हैं इसमें कैसे छेद हैं. इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दें. अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस. ऑलमोस्ट 2 spoons, 2 big spoons. नमक स्वाद अनुसार. नमक हमें थोड़ा सा कम ही रखना चाहिए एक्चुअली बिकॉज सोया सॉस में भी नमक होता है और
मैदा में भी हमने नमक डाला हुआ है, तो अगर नमक ज्यादा डालेंगे तो तेज हो सकता है, इसलिए नमक कम और ये थोड़ा सा काली मिर्ची। Mix it well. So अब stuffing को लेके just put it. I think ये काफी है कि okay now जो है comes the most important part. How do we make the design? So you take it and you make the pleat like this. That's how you make it. You keep making and keep rolling it. And keep making pleats. And just roll it. So ये जो मेरा ऊपर का मैदा है ये मैं निकाल दूंगी एक्स्ट्रा, सो खाने में बहुत मैदा नहीं आएगा. And this is your momo, which is ready. Ready मतलब you can't eat it like that, right? Yeah, but it is ready to steam. Okay. ओके सो ये पतला करने में आई थिंक साइज मुझे लग रहा है बहुत बड़ा हो गया है, सो आई एम गोना टेक द कटोरी एंड कट द मैदा, एक्स्ट्रा मैदा, क्योंकि गोल रोटी बनाने का मेरा बचपन से प्रॉब्लम है. आई एम गोना मेक अनदर डिजाइन. सो नाउ यू हाउ यू मेक गुजिया, यू टेक इट, आप इसको पानी भी लगा सकते हैं कॉर्नर्स पे सील करने के लिए, बट आई डोंट यूज दैट. ऐसे ऐसे हो गया, ये थोड़ा डिफिकल्ट. एंड वी हैव अनदर डिजाइन. सो व्हाट यू वांट मी टू डू, यू वांट मी टू मेक एनी अदर डिजाइन और यू वांट मी टू मेक एनी ऑफ दीज? I think I like this one better than this one. You like this one better? Yeah. Okay. तो हमारे सारे मोमोज तैयार हो चुके हैं और इसके लिए हमें ये स्टीम वाला बर्तन जिसमें आप इडली बनाते हैं, ये प्लेट में ऐसे होल्स होने चाहिए तभी आपके ये मोमोज स्टीम हो सकते हैं. और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है जिसमें आप नहीं बना सकते हैं, तो आई थिंक आप एक पैन लेके और उसमें मोमोज रख के और उसमें पानी डाल के उसको ढक सकते हैं. ऐसे मेरी सिस्टर ने ट्राई किए थे और उसके मोमोज बहुत अच्छे बने थे. सो आई हैव नॉट ट्राइड इट बट शी डिड. मैं इसी में बनाती हूँ. सो इसमें बहुत अच्छे से बनते हैं, जिसमें ढोकला बनाते हैं, इडली बनाते हैं. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इडली वाले में भी एक एक इडली रख के बना सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सो नाउ वी हैव टू वेट फॉर 10 minutes. Okay, so it's been 10 minutes, more than 10 minutes. So let's see. You can see the veggies. It is almost transparent, so it's cooked. And we can switch it off and take it out. So this is ready with the Szechuan chutney. This is the Szechuan chutney which we get outside, and you can buy it. एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने घर पे मोमोज की चटनी ट्राई की थी जो कि अच्छी बनी थी, बट ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है और ऐसे एकदम फील आता है चटपटा और थोड़ा सा तीखा, तो हम लोग ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दैट इज़ व्हाई आई डिडंट मेक द चटनी. बट आप इसके साथ भी ट्राई करोगे तो बहुत अमेजिंग लगता है. ओके सो आई एम गोना टेक वन, इट इज़ टू हॉट एंड शक्ति इज़ गोना ट्राई इट, ही इज़ नॉट गोना कम in front of the camera because he is in his quarantine look and you guys know, so he's gonna eat it. Yee, how's it? Yum? Yum. It's nice? Bahut hi acha hai. So it is approved. So it's nice. Done guys, do let me know, try it and let me know in my comment section ki aap log ko kaisa laga. Bye bye. So bye like. Like, share, subscribe, and please क्या बोलते हैं, जितना आप शेयर कर सको उसे शेयर करो, अपने मोमोज बनाने के बाद उसे भी शेयर करो और इस वीडियो को भी शेयर करो. Bye bye, see you guys.